वंदे तू जाने मंस। अभी तक तुम लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान टीम को इंडियंस रोस्ट कर रहे हैं, पर इस बार रोस्ट किया है वसीम अकरम ने, और जिसका रोस्ट किया है उसको सामने ही बिठा के रोस्ट कर दिया। इससे बेस्ट वीडियो शायद ही कोई होगा पाकिस्तान की तरफ से। अब ये लड़का बैठा है शोएब मलिक, अब मैं अगर कप्तान होता मेरा एंड गोल क्या है, स्किपर जीतना। Exactly. How to win the World Cup. Correct. अगर मुझे उसके लिए वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़े, मैं बात सही। Correct. Agreed. मेरा अपना उल्लू, मैं वर्ल्ड कप जीतने जा रहा हूँ। अगर मुझे शोएब मलिक चाहिए मिडल में, I'll make sure to... ओ भाई, ऐसे कौन करता है यार, मुंह पर बेइज्जती। मुझे वर्ल्ड कप जीतने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़े ना, तो मैं बनाऊंगा। ये शोएब मलिक बैठा है ना, इसको मिडिल ऑर्डर में लाऊंगा। वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़े, मैं बना लूंगा। कैसे बात कर, मतलब गजब खराब व्यवस्था है यार। और वो तो अच्छा है, वहाँ पे बेचारा शोएब मलिक था, हमारे गौती भाई अगर होते ना वहाँ पर, इतना बोलने पर तो सामने वाले को गधा बना देते और उससे सामान भी उठवाते। सच में भाई, पाकिस्तान जो एंटरटेनमेंट लाया ना, वो और किसी टीम के बस की बात नहीं है। नीदरलैंड्स के हेड कोच रियान भाई ने भी अब तो स्टेटमेंट दे दिया पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड मैच के पहले। पाकिस्तान इज बीटेबल एंड वी हैव सीन दैट इन द लास्ट मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे। वी डोंट नो अबाउट द रिजल्ट बट वी एक्सपेक्ट अ टफ फाइट बिटवीन बोथ द नेशंस। नीदरलैंड भी टफ फाइट एक्सपेक्ट कर रही है भाई अब तो पाकिस्तान से। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। कल को हमें चीटर बोलने वाले पाकिस्तान भी आज हमें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में सपोर्ट करेंगे। अब आए ना लाइन पे, तेज गति से रन बरसाते। लास्ट टाइम हमसे बोल रहे थे इंग्लैंड से जीतो, इस बार हमको बोल रहे साउथ अफ्रीका से जीतो। कभी तुम लोग चाइना से कुछ मांगते हो, कभी इंडिया से कुछ मांगते हो। भाई ये आदत कब जाएगी यार। तुझे मेरे पे भरोसा है? नहीं। गुड भाई, प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। इसकी गारंटी क्या है? कौन सी गारंटी? हाँ सिक्योरिटी तो चाहिए ना भाई। लो गारंटी भी चाहिए अब इनको। मैं तो कहता हूँ इंडिया आज ही मौका हमारे पास टीम में एक्सपेरिमेंट करने का, यूजी भाई के वो बैटिंग के सपने को पूरा करने का। आज तो हमें ओपनिंग यूजी भाई और अर्शदीप सिंह से करवा के देखनी होगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। नहीं नहीं यार, यूजी भाई तो अच्छी बैटिंग करते हैं, अगर हारना ही है तो केएल राहुल भाई से ओपनिंग कराओ। कौन बोला? मैं तो नहीं बोला। क्यों आई हो मेरे पास? ए, तुम मेरा साइड आया हो? अरे साइड की बातें छोड़ो, मिनमा मेन पॉइंट पर आओ। यहाँ से बचने का कोई रास्ता है क्या? बताओ ना प्लीज। अरे पहले तुम लोग नीदरलैंड से तो जीतो, मुझे तो वही डाउट हो रहा है। पाकिस्तान फैंस की भी फटी पड़ी है कि हो सकता है बांग्लादेश जीत जाए, इंडिया जीत जाए, पर हमारी टीम वो तो जीत जाएगी ना नीदरलैंड से। ये हो जाएगा कि इसमें रोना होगा तुम्हारा? हो जाएगा। पाकिस्तान फैंस, आज हम लोग सोच रहे हैं कि विराट भाई से बॉलिंग भी करवा दें, और वो भी पावर प्ले में। वो तो हमारे पास अभी विजय शंकर, अशोक डिंडा, केदार जादव वगैरह नहीं है, हम लोग इनको बहुत मिस कर रहे हैं यार। आज सबको खिला लेना था। मैं भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। पाकिस्तान फैंस, व्हाट अ बिजी डे भाई, सारे की सारी मैचेस देखेंगे, तीनों मैचेस। कभी बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, कभी खुद की टीम को, कभी इंडिया को। जिम्बाब्वे इनकी दुनिया हिला के चले गया। कल तक तो किसी का दिमाग गर्म हो रहा था नो बॉल को लेके। भाई बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना, तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरे वन ऑफ द फेवरेट एप्लीकेशन के बारे में, रारियो। रारियो हम क्रिकेट फैंस के लिए लाया है क्रिकेट NFTs, जिसको हम लोग सेल भी कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। फैंटेसी क्रिकेट में कैसे होता है ना, हम लोग एक बार इन्वेस्ट करते हैं और अगर हार गए तो पूरा लॉस हो जाता है, बट रारियो पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तुम एक बार खरीदा हुआ प्लेयर कार्ड मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो रिवॉर्ड्स विन करने के लिए। जैसे आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में 1 करोड़ से भी ज्यादा का रिवॉर्ड मिल रहा है। करना कुछ नहीं है, बस D3 क्लब को ज्वाइन करना है, और इसको ज्वाइन करने के लिए तुम्हें लगते हैं 3 प्लेयर्स, एक ऑलराउंडर, एक बैटर / विकेट कीपर और एक बॉलर। अपने फेवरेट प्लेयर्स चूज करो और किसी भी कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर जाओ और रिवॉर्ड जीतो लाखों और करोड़ों के। कार्ड परचेस करने के लिए तुम क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI कुछ भी यूज कर सकते हो। और भाई मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, एक बार खरीदा हुआ प्लेयर कार्ड तुम पूरी लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जैसे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात करें तो स्टार्टर कॉन्टेस्ट की एंट्री तुम लोग देख सकते हो, एकदम फ्री है, और यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो $78,000 है, यानी 60 लाख से भी ज्यादा। 5,800 रैंक पर भी तुमको $5 मिल रहे हैं भाई। इससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि यहाँ पे पैसे बनाना कितना आसान है। तो आज ही साइन अप करो, और रारियो दे रहा है नए यूजर्स को 1600 का बोनस। तो देर मत करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। भाई ये आप क्या कर रहे हैं? आज एक भाई अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगने आया है।
मैंने जो बदसलूकी की है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ आपसे। इंडिया टू पाकिस्तान और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच, हमारा टारगेट है हम नहीं जीतेगा, बस हमारा मर्जी है हम नहीं जीतेगा। जॉनसन यॉनसन बाउमा ये बात तो सही है। पीसीटी फैंस वांट इंडिया टू विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मीनवाइल इंडिया टू पीसीटी फैंस, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बिना बैट्समैन के क्रीज में आए आउट कैसे कर दिया, दिस इज टोटली चीटिंग। पाकिस्तान जिम्बाब्वे ने भी चीटिंग करी है तुम्हारे साथ, हल्ला करो। जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान, मिस्टर भीम भाई यही बंदे ने तबाही मचा रखी, इसको पकड़ के पहले तुम एक रूम में बंद कर दो जब तक वर्ल्ड कप चल रहा है। सीन्स फ्रॉम टुमारोज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच, हाँ हाँ जय हिंद। अब आया ना लाइन पे, द ग्राउंड वेयर आसिफ अली हिट 156 डेली। सही बात है यार, आसिफ अली भाई ने ये थोड़ी बताया था कौन से ग्राउंड में सिक्स मार रहे हैं। पाकिस्तान फैंस टुमारो 8 PM जॉय बांग्ला, 12 PM पाकिस्तान जिंदाबाद, 4 PM जय हिंद। कितना पलटना पड़ेगा रे बाबा इनको। टुमारो पाकिस्तानी आफ्टर वॉचिंग 3 matches एंड 3rd one साउथ अफ्रीका विंस फ्रॉम इंडिया। की आंखों की हालत खराब हो जानी, तीनों मैचेस इनके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। बांग्लादेश जीते, पाकिस्तान जीते, इंडिया जीते, और अगर पहला ही मैच जिम्बाब्वे बांग्लादेश को हरा दिया तो खत्म, टाटा गुड बाय गया। टुमारो सीन प्लीज अबू रशिया को हरा दो प्लीज। मिस्टर बीन पाकिस्तान ट्रेवलिंग टू नेदरलैंड्स, ये ना रुक रहा भाई। इंडियंस अभी तो तुम पिछले संडे कह रहे थे हम चीटर हैं। पाकिस्तानी मैंने ऐसा कब कहा, मैंने कहा था वन मोर अपसेट लोडिंग इन पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। अच्छा हाँ भाई, ये अभी लेटेस्ट जो पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड की सीरीज हुई थी उसमें पाकिस्तान हारते हारते बचा था ODI। पाकिस्तानी फैंस मैसेज टू पाकिस्तानी एंड इंडियन टीम फॉर टुमारोज मैच, आना तो पूरी तरह आना वरना मत आना। नहीं भाई, हम तो सूर्य भाई और विराट भाई को रेस्ट देके आएंगे। इफ इंडिया बीट साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश बीट जिम्बाब्वे एंड पाकिस्तान विन द रेस्ट ऑफ द मैचेस, पाकिस्तान हु इज नॉट श्योर इफ दे कैन विन अगेंस्ट नीदरलैंड्स ऑन संडे। ट्रू ट्रू भाई, वेरी ट्रू। पता चला ये दोनों मैच तो हो गए सही, पाकिस्तान हार गया। 360 नहीं 1080 डिग्री है हमारा इसका। अब आया ना लाइन पे, रिजवान भाई की रैंकिंग दे दो हमको चुपचाप से फर्स्ट पे। मोर देन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आई एम एक्साइटेड टू वॉच नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान, लेट्स सी हाउ नीदरलैंड्स गोना टैकल पाकिस्तान। भाई इंडियन फैंस को हमने ज्यादा मजा ये आ रहा है कि चलो हम तो पहुंच गए, हमारा फोकस तो पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड पर है। वी हैव गॉट सम चेंजेस, विराट एंड सूर्य टेकिंग रेस्ट पाकिस्तान। करना चाहिए भाई, मजा है। ऑल द बेस्ट स्काई, स्काई जानी तू मेरा मैच विनर है, तू मिस्टर 360 नहीं मिस्टर 720 है। बाबर भाई आप तो मत ही बोलो यार, मनुष्यत छा जाएगी, वो सूर्या भाई आउट हो जाएंगे हमारे। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना, बाकी सी तो भाई मजा आते रहो, सपने पूरे करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना यार।